ప్రోక్తం యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ కన్న సాగర్ ప్రభుజీకి ప్రేమ భక్తి బంధు భార్య బహను హం శ్రీ ప్రభుజీ చరణ బెఠే హే. గురు హే భగవాన్ హే. గురు ఔర్ భగవాన్ కో ఫర్క్ నీ హోతా. జో గురు ఔర్ భగవాన్ మే ఫర్క్ దేఖతా హే తో వో గల్తీ కర్తా హే ఔర్ ఉస్కో అప్నే మార్గ పర్ చల్నే మే బాధా భీ ఆతీ హే. లేకిన్ ఫర్క్ ఇత్నా హోతా హే కి భగవాన్ దిఖలాయి నీ దేతే, గురు దిఖలాయి దేతా హే. నిరాకార్ ఔర్ సాకార్ కే ఫర్క్ హే ఔర్ కుచ్ ఫర్క్ నీ. संसार के अंदर दो तरह के मनुष्य होते हैं. एक वो जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली है और दूसरे जिन्होंने दीक्षा नहीं ली. हमें भी जैसे जिन्होंने दीक्षा ली है उन्हें द्विज कहते हैं. द्विज का मतलब है दो बार पैदा हुआ हुआ, एक माता पिता घर और एक गुरु के घर पैदा हुआ है. दो जीवन होते हैं, एक पहला जीवन दूसरा जीवन. उन दोनों में फिर अंतर कर होता है, अंतर हो जाता है. तो हम द्विज की बात करते हैं जिन्हें दीक्षा ली है. तो द्विज भी दो प्रकार के होते हैं. एक जिन्होंने गुरु के पास रहते हैं और जो गुरु के पास कभी भी नहीं जाते. दीक्षा ले ली ना गुरु का पता और ना गुरु का शिष्य का पता. वो एक तरह के गुरु होते हैं और उससे आप जान सकते हैं कि जो गुरु से दूर रहेगा तो वो द्विज होते हुए भी द्विज नहीं है, ना मात्र का द्विज है. और जो गुरु के पास रहते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं. एक वो गुरु जिन्होंने के शिष्य को दो तरह की शिक्षा दी है, एक ज्ञान कांड की एक कर्म कांड की. और वो जो शिष्य होते, एक गुरु होते हैं जो कहते तुम्हारे शिष्य हो और तुम्हें ज्ञान थोड़ा दे दिया. और कई ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान की बात भी नहीं करते और कहते माला फेर दिया करो, मंत्र दे देते. तो गुरु ही इस रूप से गुरु भी दो प्रकार के होते हैं. और वो जैसे शिष्य को देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना. और वो कि गुरु जो गुरु एक बार देते हैं ये करो करते रहो. जो गुरु के ऐसे गुरु होते हैं जो गुरु को शिष्य को दो तरह की चीज़ देते हैं. दो तरह की आती है, एक ज्ञान कांड और एक कर्म कांड. ज्ञान क्या होता है? उसको आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और ऐसी सब. और कर्म कांड क्या होता है? शरीर से कर्म करने. तो ऐसे भी होते हैं जो कि ज्ञान की बातें करते हैं, कर्म कुछ नहीं बताते. जैसे वेदांती होते हैं बहुत, अमेरिका में भी हैं और यहाँ भी हैं बहुत, जो आओ ज्ञान की बातें करके और ख़त्म. तो हम भी ज्ञान की बातें करके आप उदा कर दें तो हम ऐसे ही हैं. लेकिन नहीं, कर्मकांड बताना है. कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों पूरक हैं गुरु दीक्षा के. क्यों? ज्ञान से मतलब है जो हमारे संशय निवृत्त होते हैं कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और दुनिया किसने बनाई है. ये ज्ञान कांड है. और कर्म कांड दिन कैसे व्यतीत करने. और जिनको पास कर्म कांड नहीं है और ज्ञान कांड नहीं है वो कहें तो वो दिमाग में उलझ जाते हैं. कई बार पागल हो जाते हैं सोच सोच कर. सोचता हम कहाँ हैं, बस इसे पागल हो गए. कर्म कांड बहुत जरूरी है कि ज्ञान क्या है, संशय निवृत्ति,
और कर्म क्या है, दिन कैसे व्यतीत करना। अब जो सब कुछ बताते हैं उनको हम योगी गुरु कहते हैं। योग द्वारा जो राजयोग है ये ज्यादा ज्ञान योग के और कर्म योग की बातें करते हैं, लेकिन जो काठ योग है ये भी दोनों की तरह बातें करते हैं। इसलिए प्रभु जी ने संपूर्ण योग दिया है, ज्ञान योग भी, ज्ञान कांड भी और कर्म कांड भी। ज्ञान कांड के लिए हमने शास्त्र पढ़ने होते हैं, सच्चे नृत्य हो जाए, और उसका संशय नृत्य कैसे करेंगे, योगी गुरु से। योग की जो बातें हैं योगी गुरु से पता लग सकती हैं। आप इन हमारे ग्रंथों में मैं कह सकता हूँ तारीफ होती है अपनी, दुनिया में जो भी ज्ञान है अगर इसमें बहुत है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, भले तो भले संशय तो पैदा हो जाते हैं, तो वो योगी गुरु ही मिटा सकते हैं। तो इसलिए वो योग गुरु जो योगी हो और योग के और दूसरे जीवन के हर एक संशय की निवृत्ति कर सकता है वो योगी गुरु कहते हैं। और कर्म का कर्म में के तुमने सिर्फ सोचने नहीं, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए क्या कुछ करना है। और जो गुरु ये नहीं बताता वो शिष्य बनता रहता है, कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है, और कहता है मैं क्या करूँ, किसी पर हमें पता चलेगा भाई गायत्री जाप किया करो, कोई कहेगा ओम का जाप किया करो, कोई कहेगा तुम मंदिर में जाया करो। एक सुबह आए अर्की से मास्टर जी दीक्षा दे लेने आए, उनके बेटे की शादी हुई है, अखीर जाने लगे कि हम चार धाम जा रहे हैं। मैं क्या होते हैं चारों धाम के धाम धाम हो गया, मैंने किस लिए जा रहे हो, जाते हैं मैंने बताया कि जिनके गुरु नहीं होते ना वो धाम जाते हैं। गुरु परम धाम है, जो वक्त जाके जाए उतने तक गुरु के पास रहो, कुछ क्या मिलेगी, चिंतपूर्ण जा रहे हैं वो जा रहे हैं वो जा रहे हैं, वो टाइम क्यों गुरु के पास जाके व्यतीत करो, कुछ शिक्षा मिलेगी, कुछ साधु मिलेगा, वहां जाकर परिश्रम श्री का वक्त क्या इच्छा है या शहर है या हमें चारों धाम की बात। तो मैंने कहा मत जाओ, तुम्हारा आश्रम है और तुम आश्रम का एक तरह से आचार्य हो, और आचार्य धम्म में चल जाएगा तो बाकी शिष्य भी धाम में जाएंगे, आश्रम खत्म होगा। गुरु से बड़ा धाम कोई जो ईश्वर से बड़ा है। धाम ठीक है जिनका गुरु ले वो जाए, वो जरूरी है, और रौनक लगनी चाहिए, कुछ मिलेगा ही सैर हो जाएगा, लेकिन जिनके पूर्ण गुरु मिल गए उनको धामों की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो टाइम अगर है तो गुरु के चरण में व्यतीत करो, संशय नृत्य करो, ध्यान बैठो। तो अब प्रभु जी जो ज्ञान कांड बतलाते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा आचरण हो जो दूसरे को दिखलाई नहीं देता लेकिन ठीक हो, यम नियम ये ज्ञान कांड के अंदर आता है। तो बताएंगे कि राजयोग क्या होता है, अष्टांग योग क्या होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि क्या है, समझाएंगे। किताब में पढ़ो, स्वाध्याय करो, देखो, कुछ संशय निरित करो, ये ज्ञान योग है।
और इस पर आचरण करो, जो भी गुरु का शिष्य ये करता है। और कर्मकांड, कर्मकांड में टाइम लगता है, तो टाइम लगा सकते हो जितना चाहो लगा सकते हो, लेकिन कम से कम तो कोई अपने लिए सीमित करना पड़ता है। योग मारे गए तो योग में शरीर के लिए करना होता है, तो योगी गुरु बताएगा शरीर के लिए करना है, दुनिया के कोई मत ये नहीं बताते, क्योंकि योग मार्ग नहीं है। किसी ने ब्राह्मण से दीक्षा ली तो ये थोड़ा बताएगा तुम योग शरीर के लिए करेगा, ये कह रहा नहाओ, मैं नहाओ कहेगा ना, योग कहेगा शर्ट कर्म करो, नेत्री धोती नवली प्राणियाम बस्सी ताटे कपाल आते, ये कहेगा शरीर के अंदर, ये तो प्रभु जी बता दें। ऐसे गुरु संसार विरोधी नहीं है, मैं कहता हूँ जैसे गुरु प्रभु जी जिन्होंने संपूर्ण योग हमारे सामने रख दिया और वो क्रिया क्राए बतलाए जो हम कर भी नहीं सकते, लेकिन जितने कष्ट करें आपको बताऊँ ऐसी क्रिया जो अपने मैं भी नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं करता, लेकिन सब रखी योगी करते थे करें। पर साधारण क्रिया तो है कि षट कर्म होता है शरीर की शुद्धि के लिए, आसन होता है शरीर के स्वास्थ्य ताकत के लिए, प्राणायाम होता है हृदय और फेफड़ों की ताकत के लिए। अब कौन बताएगा ये कैसे नहीं है? और मुद्राएं होती है समाधि में बैठने का अभ्यास के लिए, और धारणा होती है मन को एकाग्र करने के लिए, और ध्यान से आगे धारणा ध्यान आता है वो मन ज्यादा एकाग्र हो जाता है, और फिर समाधि होती है बिल्कुल मन डूबा रहे समाधि, समाधि में प्राण त्यागते हैं मोक्ष हो जाता है। ये चीजें हैं ये योगी गुरु बतला सकते हैं, वैसे टाइम निकालना तो योगी गुरु कहते हैं देखो प्रातः काल पहले योगा करो, और देखो उसमें पहले मंत्र कर दिया कि प्रातः काल क्या करना, जो नेति है उठते करो, विगत गान निशी थे प्रातः रुथाए तुम, जब प्रातः उठो उठ के नाक से पानी पियो, होश आ जाएगी, क्या फायदा क्या होश ही नहीं आएगी, कुछ बनेगा भी। प्रातः काल उठकर नाक से पानी पियो, जो ग्रहण रंधने वाली नाक से पानी पीता है तो उसके दिमाग ताजा हो जाता है, भक्ति मति पूर्ण उसके दिमाग के ऊपर करता है, दिमाग तेज हो जाता है जागृत हो जाता है, और जब दिमाग ठीक हुआ तो आंखें भी ठीक हो जाएगी, अखिना तारक स्थलियो आंखों की नजर तेज हो जाएगी, और जो जुकाम से ज्यादा बाल सफेद हो जाते हैं या चेहरे को रौनक नहीं आती जुकाम का वो भी नहीं होगा, बली पलित हुई ना, ये बाल जल्दी नहीं सफेद होंगे। और फिर ये जो चीज हो जाए दिमाग खराब हो गया तो कई बीमारियां लगेंगी ब्रेन से, अगर नाक साफ ना रहा तो उससे हमें बलगम बढ़ेगी, फिर नीचे से गला खराब हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, ये सारी चीजें देखो पहले सबसे योग करने, जो अगर घूमने जाए सैर करें या आप ये उसके बाद योगी ये करते थे, और मैं देखे योगी ये करते थे और ध्यान में बैठ जाते थे,
फिर उठ कर बाकी काम करते थे। तो दूसरी क्रिया जो बताते हैं वो ध्यान है, मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता के लिए कर्मकांड है ध्यान में बैठना और पूजा करनी। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, जो भगवान ने जन्म दिया है, उनकी पूजा भी होती है, कुछ इसकी जरूरी है। ये कर्मकांड है, योग करना और भगवान की पूजा करनी। जितना टाइम चाहिए हो, लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा। योग करेंगे आधा घंटे से कम तो लगेगा, पूजा करेंगे तो आधा घंटे से ज्यादा लगेगा। और शाम की पूजा करेंगे आधा घंटे ज्यादा लगेगा, डेढ़ घंटा तो लगाना ही पड़ेगा। कर्म कांड में टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। ध्यान कांड तो जो है वो अंदर की क्रिया है, वो खुद देखे कि हम सच कितना बोलते हैं, लालच कितना है आदि जो जमनी में। लेकिन इसमें तो इसमें टाइम लगता है। आधा घंटा अगर फिर योगा, आधा घंटा सुबह की आरती, आधा घंटा शाम की आरती, और फिर बुद्धि में ज्ञान भरना होता है, मन के अंदर भगवान भरना होता है, शरीर के अंदर शक्ति भरनी होती है और बुद्धि के अंदर ज्ञान भरना होता है। उसके लिए स्वाध्याय लिखा हुआ है। सारी दुनिया स्वाध्याय करती है, हम कभी परवाह नहीं करते। कोई दुनिया का ऐसा मजहब है जो स्वाध्याय नहीं करता, अपने किताबें सब पढ़ते हैं। और सब की है, जिस धर्म की किताब नहीं वो धर्म ही नहीं है, क्यों? ज्ञान को बिखड़ा है। जिस कई लोग होमलेस होते हैं ना, होमलेस जो चौक चौक पर बैठे हुए हैं, ये बाकी जगह में है जिनकी गाड़ी कोई नहीं। अमेरिका में जो होमलेस है उसको नौकरी नहीं मिली, सब पता क्या है, वो छोटी मोटी नौकरी कर लेता है। होमलेस, और जिस धर्म का ग्रंथ नहीं वो होमलेस है, ऐसा धर्म का है। होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ईसाइयों का है, मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, सब के है, सिखों का है, लेकिन होमलेस तो नहीं है। लेकिन होम रह तो पड़ेगा ना, घर में रहते नहीं, जो घर के अंदर रहता नहीं है और घर में चोरी हो जाएगी तो आप किताब नहीं पढ़ते तो आपका ज्ञान चोरी हो जाएगा, आप बच्चे से भी ज्यादा अज्ञानी हो जाएंगे। बच्चा आगे पैसे करेगा, आप जवाब कर देंगे। तो किताब होना धर्म का अड्डा है और हम पढ़ते हैं। अब हमारे बाकी धर्मों का एक ही ग्रंथ है, हमारा चूंकि प्राचीन कल्चर है इसलिए हमारी जायदाद बहुत है। कहीं एक कोठी होती है, कहीं के पूरे शहर ही होता है, हमारे पूरे शहर जहाँ चाहे रह सकते हैं। और उन ग्रंथों के नाम भी दिए हैं, पर गीता है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, कोई पर भागवत की रोज पाया करो, पर तो पढ़ता कोई नहीं। जो भागवत पढ़ते हैं वो अकेला चैप्टर कृष्ण की महिमा करते हैं, असली ज्ञान तो पहले है। और जिससे लेकर मैंने किताबें लिखी हैं और वो पढ़ते हैं, तो पढ़ने की आदत ही नहीं। बड़े बड़े विद्वान कोई नहीं पढ़ते, कोई विद्वान है जो टाइम लगाते हैं, लेकिन नहीं, बहुत कम है। तो हमारी संख्या तो बहुत है, इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह होगा कि हम घरों से निकलने लगे, होमलेस बने लगे। और उसका नतीजा हुआ हम लोगों ने हमें अपने घर बसा लिया, ईसाई बनने लगे, मुसलमान बनने लगे, क्योंकि अपने घर है ही नहीं, तो पता नहीं करके तो
दूसरे घर में जाना ही है फिर, तो इंद्रों की संख्या कम हो रही, क्योंकि हम अपने घर में रहना पसंद नहीं करते। अगर कोई ईसाई आएगा कि चलो मैं है तो चले जाओ, अगर घर है तो तुम अपने घर को छोड़ो, तुम्हारा घर छोटा है, मेरा घर तो बहुत है, नहीं जाएगा। लेकिन जब अपने घर में बैठते ही नहीं, चौपर है, इन चौपर बैठे हुए लोगों को किसी तरह भी ले जा सकता है। जो कहेगा हमारे मैं आपको मकान देता हूं, हमारे साथ मिल जाओ, मिल जाएंगे। तो इसलिए हमें होमलेस नहीं बनना पड़ेगा, हमें अपने घर में रहना होगा और पक्का रहना पड़ेगा। उसके लिए घर की सफाई करते हैं, वो करते हैं, सब करते हैं, तो पढ़ो, जो संशय होते हैं वो सफाई है। तो जा पूछो, अब हम गीता पढ़ते हैं रोज शाम को, तो गीता पढ़ लेते हैं, इतने जो संशय पैदा होते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। तो मैं गीता की बात नहीं कह रहा, परंतु अगर गीता की बात करो तो आधा घंटा पौन घंटा लग जाएगा। रात को हमने किया, एक प्रश्न उठा, जो पढ़ते हैं उनको पता है ना कि अखीला चैप्टर जो 18वां चैप्टर है उस मोक्ष की बात है, अब उसको बताया। तो आधा घंटा लग गया सारी गीता को, पहले चैप्टर से लेकर 18वें चैप्टर तक, कि मोक्ष कहां तक कैसे पहुंचे पहुंचे। परंतु जब पढ़ेगा वो संशय करेगा ना, जब पढ़ते नहीं उसको पता क्या है। मैंने बताया कि देखो हमारे घर जो शास्त्र है ना, शास्त्र में पहले ज्ञान दिया होता है और फिर कर्मकांड दिया होता है। अब योग दर्शिका पढ़ते हैं, पहला चैप्टर समाधिपाद है कि ज्ञान क्या होता है, और दूसरा पाद है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या साधन करने होते, और बाकी तो उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन ही होती है, और अंतिम होता है कि लक्ष्य ये है। तो योग दर्शन का जो पहले चैप्टर में पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और पूछते समाधि क्या होते हैं, वह क्या होते हैं, तो उसका क्या फायदा जब दूसरे चैप्टर में अभ्यास दिया हुआ कि समाधि लगानी है तो यहाँ दूसरा चैप्टर यम नियम का पालन करो, ध्यान में बैठो, उसमें सब आता है, यम नियम में सब आ जाता है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, और ध्यान में बैठना है, पुस्तकें पढ़नी है, ये उनमें आता है। तो पहले चैप्टर में तो ज्ञान है, दूसरे में कर्मकांड है। तो मैंने कहा गीता भी ऐसी है, गीता में पहले 5 चैप्टरों में पूरा ज्ञान है, और फिर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 6 चैप्टर अभ्यास दिए हुए हमारे शास्त्रों में। हमारे ऐसे ही होता था, जब पाठशाला में पढ़ते थे तो पहले पुस्तक को रुटाते थे, व्याकरण है रोटो, और फिर उसकी एप्लीकेशन बताते थे। हमारा तरीका ही ऐसा है, किसी विद्वान अच्छे विद्वान पर जाएंगे, पहले ज्ञान देगा फिर कहेगा इस तरह पालन भी करो। तो ज्ञान ज्ञान कांड है, पहले कर्म कांड है, इसे योग में भी है। अब गीता में मैं बताया कि पहले 5 चैप्टर जो है वो ज्ञान कांड के हैं, 6 ज्ञान को प्राप्त कैसे करते हैं, 6 चैप्टर पढ़ लो, उसमें ध्यान में कैसे बैठना है, क्या करना है, 5 मैंने गीता के अंदर गिन के दिखा दिया, ये साधन है करो, तब गीता करने का फायदा है। नहीं तो गीता पढ़ना दिमाग की ड्रिल है। क्यों दिमाग की ड्रिल है बताओ, कैसे ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन ड्रिल ही ड्रिल है, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। गीता जो है योग का ग्रंथ लिखा है, योग शास्त्र है, योग शास्त्र। उसी तरह जैसे अपना
पतंजल का योग शास्त्र है, इसी लाइन पर वो लिखा हुआ है, वही बात है उसमें कैसे, पर वो उसके अर्थ शब्द और उसके शब्द और है। अब मैं गीता के ऊपर पांच बताऊंगा हुआ तो, ताकि आपको गीता पढ़ने का अभ्यास हो जाए, क्योंकि गीता में तो हमारे ग्रंथ रामायण का ही है, ये योग दर्शन के रामायण का हिस्सा है, और अनेकों धर्म जो भी है रामायण का हिस्सा है। मेरे गुरु महाराज से जितने धर्म निकले हिंदू धर्म से निकले हैं, तो मैंने दिखला दिया कि ईसाई कैसे हिंदू धर्म से निकली है, जैन कैसे हिंदू धर्म से निकले हैं, तो वो तो इसे है। लेकिन गीता जो है ना वो क्या है, गीता कहती है तुम इंसान हो, मुक्ति लेनी है। हेलो, कैसे लोगे, तुम काम करते हो तो काम का फल मिलता है, तो फल मिला तुम चक्कर चल पड़े, मुक्ति थोड़ी मिलेगी। इस कर्म को कर्म योग में बदल दो, योग क्या बदलोगे, ये काम करो अपना धर्म समझा करो, ये नहीं करोगे इसका कोई इच्छा लेकर नहीं काम करो, मेरी ड्यूटी है। एक क्लर्क है अपनी ड्यूटी पूरी करे, फाइलें पूरी कर दे, ये नहीं कि मुझे इनाम मिलेगा। जो कर्म भी नहीं करता गलत करता है वो तो पापी है, जो कर्म करता है इच्छा ले करता है वो कर्म है। लेकिन अगर कर्म को इच्छा के पीछे कुछ ना हो, धर्म समझ करेगा वो कर्म योग है। मन की इच्छा तो जन्म जन्म ले जाती है ना, तो कर्म योगी बन जाता है। इच्छा नहीं है काम कर, जो इच्छा बिना काम करता है उसको कर्म योगी कहते हैं। मैं मेरा लड़का है, मेरा धर्म है पालना, लेकिन पहले से जो मैं लड़का है मेरी सेवा करेगा, डॉक्टर बनेगा, वो बनेगा, तो वो दिन रात यही सोचेगा, वो योगी नहीं है। जो क्या मेरा धर्म है आगे इसकी भाग्य, वो कर्मयोग में लग रहा है। तो फर्क क्या है, जो कर्म साधारण कर्म करता है, कर्म गीता ही शब्द है, कर्म से बंधन होता है। अब आगे सर मैं काम कर रहा हूँ, इच्छा है कि ये अगर इतना मिलेगा तब काम करूँगा, नहीं नहीं मिलेगा, कर्म से बंधन होता है। लेकिन कर्म योग से नहीं, कर्म योग से बंधन नहीं होगा, मुक्त हो जाएगा। पर हम कहाँ हैं, अब हम अपने को देखें तो गिनती शुरू होती है कहाँ से, जीरो से, एक से शुरू होती, हम जीरो पर हैं। अब जीरो से एक बनना है तो एक बनना मतलब कर्मयोगी बनना है, जीरो 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 जो कर्मयोगी बन जाता है वो एक है, उसके योग की पहली सीढ़ी। तो आगे क्या करना है, आगे दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना है। लेकिन ये तो इच्छा रहित कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ मिल गया तो कभी तो कम मिला, तो मिल गया संभाल लो इसको। वो जो फल के ऊपर भी आसक्ति ना हो, जो मिला सो ठीला, उसका विचार भी ना हो, भगवान की शरण में ये न के लव संतुष्ट, वो दूसरी श्री उसका गीता के अंदर लिखा है चौथा चैप्टर, ज्ञान कर्म संन्यास। ज्ञान पूरा कर्म करो और सन्यासी रहो, मिलना भी ये पढ़ो तो पता जाए सब पता है। लेकिन फिर भी आवागम चैप्टर लाया, वो जैसे जनक है, जनक की अवस्था था, पर जन्म मंत्र भी मिलेगा उसको, मगर योगियों का जन्म होगा और आगे वैसे, लेकिन मुक्ति तो नहीं मिली। मुक्ति मिलने के लिए पांचवा चैप्टर गीता का,
ये तुम आत्मा के अंदर इतने लीन हो जाओ कि बाद में शुद्धि नहीं। शरीर है, शरीर तो सोते नींद आते सो जाता है, भूख लेती खा जाता है। आत्मा तो कोई कहते खाना खाओ, आत्मा नहीं कहते सो। तो वो हंसता है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं ना खाता हूं ना सोता हूं ना चलता हूं ना बैठता हूं। गीता के शब्द आत्मा, वो आत्मा की स्थिति होती है। वो कहते हैं अवतार, अवतार हमने अवतार बनना होता है, जनक भी हमने बनना होता है। कृष्ण को अलग नहीं था कि भगवान आया, भगवान बना, कोई बन सकता है। वो पांच बजे कि जब सही आत्मा की स्थिति हो तो मैं कुछ नहीं करता, तो उसमें वो ऐसी स्थिति होती है कि प्रकृति के ऊपर उसको तो प्रकृति लय अवस्था, प्रकृति हमारे वश में आ जाती है। जब किसी कहते हैं जब चाहूं जन्म ले लेता हूं, जब जो चले जाता हूं, यदा यदि धर्म से ग्लानी अभिथान धर्म से तदात्म सुन, मैं आता हूं मुझे कोई लाता, मैं शक्ति है। जब जहां चाहे जाऊ शरीर दो भी बना सकता हूं, जय कृष्ण राय। वो पांचवा चैप्टर, ये पांचवें चैप्टर तक पहुंच जाने की गीता है कि हम जनक बने, हम अवतार बने, हम हमारी आत्म प्रकृति ऊपर हमारी कंट्रोल इतना। ये है गीता, जैसे योग दर्शन का ऐसी समाधि लगाओ कि हमारे दर्शन द्वारा से प्राण निकले। बस वो तो ज्ञान हो गया ना, लेकिन पांच चैप्टर पढ़कर पढ़ते रहो हाथ पैर कुछ नहीं मिलेगा। मिला कैसे? छठा चैप्टर पढ़ो, जिसमें अनेकों विधियां दी हुई हैं कि ऐसा अभ्यास करो, ऐसा अभ्यास करो, उनमें से एक विधि चुन लो, करो अभ्यास। और अभ्यास करने में कुछ दिन नहीं लगेंगे, जीवन लग सकता है। अनेक जन्म संस्था तथा अनेक जन्मों के बाद सिद्धि मिलेगी, पर स्टार्ट तो भी करना पड़ेगा। गीता यदि स्टार्ट कर दो, छठा चैप्टर पढ़ो कि अगर अवतार बनने हैं तो कैसे बन सकते, जनक बनने कैसे बन जाए, योग अगर योगी बनने पहले अब जीरो से पहले कैसे बन, उसका भी व्यास है। अब मैंने कहा यही तक छठे चैप्टर सब खत्म होता है, जैसे योग दर्शन का पहला चैप्टर खड़ा, दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, तीसरे चैप्टर क्या सिद्धियां हैं, चौथे चैप्टर क्या मुक्ति क्या होती है, बस वो तो इंफॉर्मेशन है। गीता के अंदर आगे भी इंफॉर्मेशन है। जब चलते हैं तो ये संशय पैदा होते हैं, वो भी गुरु से निवृत्त करने होते हैं। आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, तीन चैप्टर शुरू, और जगत क्या है, ये जगत कब से बना, कितने वर्ष में हुए, ये सब इंफॉर्मेशन है। तो जब गुरु देता है ऐसी इंफॉर्मेशन, शिष्य कहता गुरु तो बहुत लायक है, विश्वास हो जाता है। विश्वास होता है, कहता है महाराज आप इतने हैं, मैं कैसे ऐसे बन सकता हूं, या मुझे आपका ज्ञान सारा मिल सकता है कि नहीं, ये कैसे, तो मैं देखना चाहता हूं आप कौन है। किसी कहता है मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम ये गुरु मानो, तो अर्जुन कहता है शिष्य हम शादी पर बनो, मैं आपका शिष्य, मुझे समझाओ क्या बात है। कहता पहले मुझे देख लो, मैं क्या दिखलाओ, तो दिखला दिया और होश आ गया। ये गुरु किसी गुरु ऐसा होता है जो भगवान और गुरु में फर्क नहीं, किसी सृष्टि बना रहा है, ढा रहा है, भगवान भी कर रहा है, जो काम कहता है ब्रह्म करता है वही गुरु कर, तो झुक गया शिष्य अस्ति हम शादी में, मेरी शिक्षा तो क्या करना, और कहा कि मैं तो पहले ही देखना चाहता हूँ
आप जो दर्शन दिए अब मैं इतना अच्छा लगा, बार बार देखा जाता हूँ, बार बार गुरु की शक्ति पात से होता है, शक्ति पात की दिव्यम दला में शक्ति, मैं तो दिव्य दला देता हूँ, वो शक्ति पात देता हूँ, मैं देता हूँ उसे शक्ति से, तो भाई शक्ति कब मिल सकती है फिर, ऐसे ही मिले। तो अंत में जाकर बताते हैं कि गुरु और भगवान में चंद्रमा सर्वधर्मान प्रत्येक जी माँ में कमशन सब कुछ छोड़कर मेरे दिन हो जाए, मेरे चरण पकड़, जो मेरा भगत बन जाता है उसको शक्ति मिल सकती है और किसको नहीं मिलती। तो दिन मैंने ये लास्ट चैप्टर है कि भक्ति क्या होती है, भक्ति बाद, अब भक्ति के बाद मुक्ति क्या होती है वो और चैप्टर है। तो मैंने गीता का भी बताया कि ये ग्रंथ है, इनका स्वाध्याय करना चाहिए। हम होते हुए भी सड़क पर बैठे हैं, क्यों कि किसी का घर होता है छीन लेता है, हम पाकिस्तान रह गए, घर उधर रह गए, सड़क पर बैठे क्यों, हम उन पर कब्जा भी खुद भी नहीं करते, दूसरे छीन लेते हैं। तो अब प्रभु जी की उपदेश है कि हमें 2 घंटे रोज काम करना है, नहीं तो हम किसी काम के नहीं, आधा घंटा सुबह योगा करना है, आधा घंटा आरती सुबह करनी, आधा घंटा शाम की आरती करनी, आधा घंटा पाठ करना है ग्रंथों का। किन के लिए है, जो दीक्षित है, सारी दुनिया के लिए नहीं है, जो बीज है उनके लिए आज्ञा है, किसी बीज बने तो नहीं करते तो हम भी कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। तो जो स्टूडेंट दाखिल होता है उसी को टीचर पढ़ाता है, उसी को हम टास्क देता है और उसी को दंड भी देता है। तो जो गुरु के दंड से नहीं डरता मैं भटक जाता है। तो मैंने बताया कि हम गुरु के शिष्य हैं, तो योगी गुरु के शिष्य हैं, और हमें क्या कुछ करना है, ज्ञान कांड भी और कर्म कांड दोनों करने हैं। ज्ञान में फिर हम मस्त रहेंगे, विचारों में दुनिया के अंदर विचार नहीं मिलेंगे, जो गीता पढ़ते हैं ना सोचते हैं गीता गीता, घर की बातें भूल जाते हैं कई बार, ज्ञान क्यों, ज्ञान के अंदर ही बसना चाहिए। ज्ञानी फिलासफर होता है, फिलासफी जो है ज्ञान की है, लेकिन नहीं फिलासफी जो होती है पागल कर देती है, और कर्म करना दोनों मिलकर लाइफ बनती है। तो अब समय हो गया, बहुत सच्चिदानंद महाप्रभु।